दोस्तों, बहुत अक्सर ऐसा होता है जब आप या आपके घर वाले अपने डॉक्टर से दवाई लेते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर के बताने के बाद भी दवाई कैसे खानी है आप भूल जाते हैं। जैसे एक टाइम खानी है, दो टाइम खानी है, रात को खानी है या सुबह खानी है, खाने से पहले या खाने के बाद। ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज जरूर होनी चाहिए, चाहे आप एक मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हो, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई किसी टाइम पे दवाई खा रहा होता है। कोई बुजुर्ग या बड़े लोग आपके घर में जरूर होंगे, वे लोग अक्सर दवाई कैसे खानी थी भूल जाते हैं, उस समय आप उनकी मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में हम बहुत सी बढ़िया हेल्थ वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने एक पेशेंट का पर्चा डाला है, जिससे आपको समझने में बहुत सहूलियत होगी। तो इस प्रिस्क्रिप्शन को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है। जैसे कि अगर कहीं पर टी लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है टैबलेट, कहीं पर सी लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है कैप्सूल, ठीक है, और कहीं पर INZ लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में भी आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक IV और एक IM, ठीक है। तो IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, जो आपकी वेंस में लगता है, और IM जो इंजेक्शन आपका मसल्स में लगता है। अब देखो, अगर RX RX लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। अब पहला देखो, यहाँ पर T लिखा है और XYZ, XYZ को भी मेडिसिन मान लीजिए आप, तो T है मतलब टैबलेट और आपकी जो भी मेडिसिन है XYZ। अब वहाँ पर 1BD लिखा है, इसका मतलब, या फिर कहीं पर 1BID भी लिखा हो सकता है, उसका मतलब होता है दिन में 2 बार, यानी ट्वाइस डेली। अब दूसरे में आते हैं टी XYZ, यानी टैबलेट है, कोई भी मेडिसिन आपकी, 1TDS है या 1TID, तो उसका मतलब होता है दिन में 3 बार, यानी 1 thrice daily। अब देखो, तीसरे में है CXYZ, ठीक है, जो कैप्सूल है, और कोई भी मेडिसिन आपकी जो XYZ है, 1QID, ठीक है, तो उसका मतलब है दिन में 4 बार, यानी एक गोली आपकी 4 टाइम आप दिन में खाओगे, 1 4 times a day। उसके बाद देखो, फोर्थ में देखो, कहीं पर लिखा रहता है इंजेक्शन XYZ IV स्टार्ट, ठीक। तो अगर यहाँ पर देखो इंजेक्शन लिखा है, इसका मतलब इंजेक्शन हो गया, XYZ आपकी जो भी मेडिसिन है, IV मतलब होता है इंट्रा वेनस, ठीक है, जो आपकी वेंस में लगेगी। स्टार्ट, तो स्टार्ट का मतलब होता है तुरंत, मतलब इमिडिएटली, मतलब तुरंत आपको लगाना पड़ता है, ठीक है, उसी समय लगाना पड़ता है। पांचवें में देखो, अब टी है XYZ SOS, ठीक है, तो टैबलेट XYZ जो भी मेडिसिन है आपकी, उसका मतलब है, SOS का मतलब होता है जब आपको जरूरत हो, मतलब इमरजेंसी की, जैसे आपको पेट दर्द हो रहा हो तो अगर SOS लिखा है तो आपको उसी समय खानी है जब आपको दर्द होती है। उसके बाद देखो, सिक्स्थ में देखो टी लिखा है XYZ HS, ठीक है, तो टैबलेट है कोई भी मेडिसिन आपकी XYZ 1 HS, HS का मतलब होता है रात को, यानी उस दवाई को आपको रात को खाना, एट नाइट। तो जो सेवन्थ है उसमें देखिए L/A ऑइंटमेंट XYZ, ठीक है, कोई भी आपको ऑइंटमेंट पे जितने भी क्रीम्स होते हैं उनमें L/A लिखा रहता है, तो उसका मतलब होता है लोकल एप्लीकेशन, यानी आपको उसकी स्किन के बाहर बाहर लगाना है, ठीक है, तो LA मतलब हो गया लोकल एप्लीकेशन। अब एट्थ में देखो TXYZ P.O लिखा है, ठीक है, तो टैबलेट है आपकी कोई भी मेडिसिन XYZ PO, इसका PO का मतलब होता है पर ओरल, यानी आपको उसे मुंह से लेनी है, ठीक है। कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो पर रेक्टल ली जाती हैं, तो कहीं पर ओरल भी होती हैं, ठीक, तो उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर PO लिखा रहता है, ठीक है, और PR का मतलब पर रेक्टल होता है, जो आपकी रेक्टम से दी जाती है मेडिसिन, ठीक है। अब नाइन्थ में आओ TXYZ, ठीक है, आपकी टैबलेट है XYZ A.C, अगर A.C का मतलब होता है खाने से पहले, ठीक है। टेंथ में देखो टैबलेट है XYZ P.C, अगर P.C कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब होता है खाने के बाद। तो ये कुछ कॉमन से टर्म्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ये टर्म्स जानने के बाद आप कम से कम 70-80-90% तक का प्रेस्क्रिप्शन को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।